नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपके निप्पल का रंग डार्क हो जाना, आपके निप्पल का साइज़ का बढ़ना और आपके ब्रेस्ट का साइज़ का बढ़ना किस बात का संकेत देता है? दोस्तों, काफ़ी लोग तो ये भी मानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल का रंग डार्क हो जाता है या तो आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है तो आपका होने वाला बच्चा बेबी बॉय होता है और आपके निप्पल का रंग ब्राउन रहता है या तो हल्का पिंक कलर का रहता है तो आपका होने वाला बच्चा बेबी गर्ल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल का रंग काला होना, निप्पल पर खुजली होना किस बात का संकेत देता है? दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपके शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा बदलाव नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रेगनेंसी के साथ साथ आपके हार्मोन में काफ़ी सारे चेंजेस आते जाते हैं, जिसके कारण आपके निप्पल का रंग भी डार्क होते जाता है। आपके शरीर में एक मेलनिन नामक हार्मोन बनता है जो कि आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनती है, जिसके कारण आपके निप्पल का रंग डार्क हो जाता है। और जिन महिलाओं के में ये हार्मोन कम मात्रा में होती है उनके निप्पल का रंग ब्राउन या हल्का पिंक ही रह जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपके निप्पल का रंग का चेंजेस होना सिर्फ हार्मोन के कारण होता है। इससे आपके गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल पर खुजली होता है जो किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में निप्पल में खुजली होना काफ़ी आम बात होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रेगनेंसी के साथ साथ आपका ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है जो कि ड्राई होते जाता है। या तो आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है या तो आप प्रेगनेंसी में अच्छी मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, जिसके कारण भी आपको ब्रेस्ट में खुजली हो सकती है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में जब भी खुजली होती है आपको कोई भी मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए या तो एलोवेरा जेल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको खुजली की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब भी आपको प्रेगनेंसी में खुजली होती है आपको नाखून से बिल्कुल भी नहीं खुजलाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर पर स्ट्रेच मार्क आ सकता है। इसलिए आपको हल्के हाथों से या तो कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा लेकर आपको खुजलाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर पर कोई भी निशान नहीं होता है और आपको नाखून न लगाने से आपके शरीर पर कोई भी इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में खुजली होना और आपके निप्पल का ड्राई होना और उसका साइज बढ़ना, ये तीनों चीज़ें ही कॉमन होती है, ये हर गर्भवती में दिखाई देती है। जो ये लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल में खुजली होने से या तो आपके निप्पल का रंग डार्क होने से आपका बेबी बॉय होता है या तो बेबी गर्ल होता है, ये सारी बातें झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक अनुमान है जो कि आपको बताया जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए।